टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट 31 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज. ओके, नेट के जो भी क्वेश्चंस हैं हमने आगे 1 to 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं नेट एग्जाम्स के लिए. ओके, तो आज शुरू करते हैं माइक्रोसोम्स से. ओके, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द 31 नंबर क्वेश्चन इज दैट माइक्रोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल इन नेचुरल कंडीशन दे आर. ओके, तो माइक्रोसोम्स जो है वो नेचुरल कंडीशन में आमतौर पर सेल्स में नहीं पाए जाते. बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों होता है कि हम माइक्रोसोम्स को आइसोलेट नहीं कर सकते. ओके, माइक्रोसोम्स इज अ वन टाइप ऑफ दैट स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन दैट ईआर. ओके, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको कह देती हूँ कि ईआर के ऊपर आया हुआ वन टाइप ऑफ दैट क्या है, सब्सटेंस है. ओके, जो क्या कहता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है ईआर को. ओके, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर पर पाया जाता है, लेकिन उसे नेचुरल कंडीशन में हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ईआर जो है उसके ब्रोकन स्पीसीज हो जाएंगे. तो माइक्रोसोम्स जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, सो दैट माइक्रोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल इन नेचुरल कंडीशन. राइट, तो राइट आंसर इज दैट ऑफ दैट 31 नंबर का क्वेश्चन, द ब्रोकन पीसीज ऑफ ईआर ड्यूरिंग द सेंट्रिफ्यूगेशन. देन आफ्टर 32 नंबर का क्वेश्चन लिखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके, इनमें से कौन सा ऐसा सब यूनिट है जो राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होता. द ऑप्शंस आर दैट पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, बाइंडिंग साइट फॉर ट्रांसफर आरएनए, ए साइट और पी साइट. ओके, तो राइबोसोम्स के बारे में हमने ट्रांसलेशन में देख लिया था. ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स के पास 3 साइट होती हैं. फर्स्ट वन इज दैट, ये तीनों साइट मैं ड्रॉ करती हूँ. यहाँ पर आएगी पेप्टाइड बॉन्ड और ऑल्सो कॉल्ड एज़ अ पेप्टिडाइल पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफरेज साइट. ओके, देन आफ्टर बाइंडिंग साइट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए. ओके, यहाँ पर आएगी टी साइट यानी कि बाइंडिंग साइट. ओके, और एमिनो एसिड साइट. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज अ वन टाइप ऑफ दैट एंजाइम विच आर नॉट फाउंड इन दैट राइबोसोम्स. ओके, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है, वन टाइप ऑफ द एंजाइम्स है. तो ए पी और टी साइट्स जो है वो प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में. राइट, अब आता है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीराइबोसोम्स आर सीन इन. पॉलीराइबोसोम्स जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है. ओके, तो पॉलीराइबोसोम्स आर फाउंड इन दैट ओनली फॉर ओनली बैक्टीरिया. राइट, हमें पता है कि पॉलीराइबोसोम्स यानी कि क्या होता है कि एक ही मैसेंजर आरएनए बहुत सारे, यहाँ पर मैं राइबोसोम्स क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो ओनली वन मैसेंजर आरएनए से क्या हुए होते हैं, जॉइंट हुए होते हैं. दिस इज कॉल्ड दैट पॉलीराइबोसोम्स. ओके, विच आर फाउंड इन दैट बैक्टीरिया. देन आफ्टर 34 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आरआरएनए ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ से ओरिजिनेट होता है. तो न्यूक्लियोलस से. ओके, न्यूक्लियोलस से वो क्या होता है, ओरिजिनेट होता है. देन आफ्टर 35 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंटिंग जोन ऑफ एक्सक्लूजन एंड हैविंग अ डिफाइनाइट पोलारिटी. ओके, कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है कि जिसके पास दो जोन्स हैं अलग अलग टाइप के. ओके, और उसके पास डिफाइनाइट पोलारिटी भी है. डिफाइनाइट पोलारिटी यानी कि सिस फेज और ट्रांस फेज. ओके, डिफाइनाइट पोलारिटी, पोलारिटी यानी कि दोनों में जो भी पोलर
पोलर पार्ट्स हो गए वो क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, यानी कि सिस फेज और ट्रांस फेज ही देख लीजिए। ओके, सिस और ट्रांस, तो ऐसी सिस और ट्रांस वाली और दो जोन्स उसके पास है, वैसे ऑर्गेनल कौन सी हैं? तो गोल्गी, ईआर, न्यूक्लियस के राइबोसोम्स। तो राइट आंसर इज दैट गोल्गी, राइट। गोल्गी में हमने देखा था कि गोल्गी की मैंने आपको स्टडी बताई थी जब सेल बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे, उसके पास सिस और ट्रांस फेज दोनों पाए जाते हैं। ओके, सो दैट दे हैविंग द डिफाइनाइट पोलैरिटी। देन आफ्टर 36 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स आर एबंडेंट इन, लाइसोसोम्स यानी कि सुसाइडल बैग विच आर फाउंड इन दैट, कहाँ पर, किस सेल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं? तो जो सेल्स एज अ मैक्रोफेज के रूप में काम कर रहा होता है उस सेल्स में लाइसोसोम्स जो है वो एबंडेंटली फाउंड होते हैं। ओके, तो ऑप्शन आर दैट वाइट ब्लड सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट, आरबीसी एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन, वाइट ब्लड सेल्स एंड स्प्लीन। तो सोच के बताइए कि कहाँ पर एनकाउंटर होता है, कहाँ पर ऐसा कोई सेल है कि जो मैक्रोफेज के रूप में होता है। तो वी नो अबाउट द वाइट ब्लड सेल्स, अवर समटाइम्स आर दैट सम वाइट ब्लड सेल्स आर एक्ट एज अ मैक्रोफेज लाइक दैट न्यूट्रोफिल्स, ओके, एंड मोनोसाइट्स, बोथ आर मैक्रोफेजेस। एंड स्प्लीन, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, स्प्लीन को जब कोई भी डेड सेल्स है, ओके, या फिर ओल्ड सेल्स है, वो कहाँ पर आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लीन में आता है और स्प्लीन में उसकी डेथ होती है, सो दैट लाइसोसोम्स तो चाहिए जो डेड सेल्स है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, लाइसोसोम्स मेनली होते हैं स्प्लीन के पास। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा स्प्लीन में और वाइट ब्लड सेल्स में लाइसोसोम्स दिखने को मिलता है। ओके, देन आफ्टर 37 नंबर के क्वेश्चन पर जाएंगे हम कि लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन इज स्ट्रेंथेड बाय कॉर्टिसोल, कॉर्टिजोन, एंटीहिस्टामाइन, हेपेरिन, क्लोरोक्विनोन, कोलेस्टेरॉल। उसके पास सभी टाइप्स के सब्सटेंसेस है सो दैट उसे स्ट्रेंथ मिलती है उसके मेम्ब्रेन को। बट अगर कोई एक सब्सटेंस की गैर हाजिरी पर वो क्या हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि जिसकी कंडीशन में वो फ्रेजाइल हो जाती है? तो ऑप्शंस आर दैट लो बाइल सॉल्ट्स एंड एनर्जी रेडिएशन, ये नहीं हो सकता। ओके, देन आफ्टर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। ओके, देन आफ्टर 38 नंबर के क्वेश्चन पर जाएंगे हम कि फ्रूट रोटिंग कैन बी चेक्ड बाय स्लोइंग डाउन द एक्शन ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज ऑफ द ऑर्गेनल। ओके, कि फ्रूट रोटिंग जो हो रहा है, ओके, हम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसे चेकआउट कर रहे हैं, तो कौन से ऑर्गेनल में चेकआउट होगा? तो ग्लायोक्सिसोम्स। ओके, कि आपको एक क्वेश्चन हुआ होगा कि व्हाट इज़ द ग्लायोक्सिसोम्स, राइट। तो ग्लायोक्सिसोम्स इज अ वन टाइप ऑफ दैट ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन दैट, और ऑल्सो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल विच आर फाउंड प्लांट। ओके, प्लांट में हमने पेरोक्सिसोम्स के बारे में बात की थी। ओके, तो पेरोक्सिसोम्स का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसे कहा जाता है ग्लायोक्सिसोम्स। ओके, जो क्या करता है कि प्लांट्स में लिपिड को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, इन प्रोकैरियोट्स वेयर द माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंक्लूडिंग डीहाइड्रोजिनेसिस इज। ओके, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज ETS कहाँ पर होगा, इंक्लूडिंग दैट डीहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम के हिसाब से। ओके, तो हमें पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
एंडोजोम्स में तो नहीं होते, माइक्रोजोम्स में भी नहीं होते, मेसोजोम्स तो बैक्टीरिया में ही पाया जाता है. तो राइट आंसर इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, देन आफ्टर 40 नंबर का क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट दिस सीरीज ऑफ द सेल बायोलॉजी. ओके, अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम 41 से देखेंगे. द वाटर सॉल्यूबल फाइकोबिलिन पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन दैट. फाइकोबिलिन ऐसा पिगमेंट है जो किस आलगी में प्रेजेंट होता है. तो फाइकोबिलिन पिगमेंट विच आर फाउंड इन दैट ब्लू ग्रीन आलगी एंड ग्रीन आलगी. ओके, तो ये याद रखिएगा फाइकोबिलिन. तो दिस इज कॉल्ड दैट सेल बायोलॉजी सीरीज लेक्चर्स वी आर सॉल्विंग दैट सेल बायोलॉजी रिलेटेड MCQs विच आर प्रेजेंट इन दैट नीट एग्जाम्स. ओके, आई होप आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो रही है इस वीडियो के थ्रू. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपके कोई भी आइडियाज़ हो वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस माई वीडियो. ओके, थैंक यू.